सीधा सा जवाब है, जितने अधिकारी है भ्रष्ट अधिकारी पैसा खा के बैठे हैं। मैं एलिगेशन कर रहा हूं, भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो इन अस्पतालों के ऊपर कार्यवाही की होती। सीधा सीधा महानगर पालिका आयुक्त को यह बात समझने की जरूरत है। अब महानगर पालिका अगर नहीं समझी यहां से, और एक एक आदमी का एक एक पैसा रिफंड नहीं हुआ, तो मैं यूसुफ अली वसई विरार महानगर पालिका के सामने तो ऑपरेशन करूंगा ही करूंगा, मंत्रालय में जाके ऑपरेशन करूंगा। अगर मेरा वीडियो मुख्यमंत्री महोदय देखते हैं, उनके पास जाता तो उनको भी मैं बोलता हूं आपने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, एक बार आज फिर मैं गंभीर मुद्दा वही अस्पतालों की लूट कर लेके आया हूं। लगातार इस मुद्दे के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, लगातार महानगर पालिका में मैं फॉलोअप कर रहा हूं, लेकिन अब मजबूरी में आंदोलन मुझे करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आज मैं कुछ कहूं इससे पहले यह कहूंगा कि महानगर पालिका को मैं चेतावनी देता हूं सीधे सीधे कि अगर महानगर पालिका इस पर कुछ करेगी नहीं तो वसई विरार महानगर पालिका समेत में पालघर पूरे जिले में, बल्कि नौबत आई तो मंत्रालय पर जाकर मैं आंदोलन करूंगा, क्योंकि ये पब्लिक का जो है ना विषय है, आम आदमी के साथ हुई लूट का विषय है। मैं मंत्रालय के वहां जाकर उपोषण करना हुआ तो भी करूंगा। ये मैं आज महानगर पालिका को सीधे सीधे चेता रहा हूं, वसई विरार महानगर पालिका अब सुधर जाए। आखिर कब तक लूट बस्ती रहेगी। मैं आज कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ आपको दो वीडियो दिखाना चाहता हूं। दो वीडियो दिखे आप देखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा उन वीडियो के बारे में बताता हूं। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत कोरोना महामारी में लूट हुई, सब हुई, सबको सब मालूम है और मैंने हर बार बता चुका हूं। उसके बाद में महानगर पालिका का दावा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का पैसा रिफंड हुआ है, उनका ऐसा दावा है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है और हकीकत क्या कहती है, इसका नमूना आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। दरअसल वीडियो में एक वीडियो उस बंदे का है जो लगातार मेरे चैनल पर आया और उसने अपनी व्यथा बताई थी कि उसके भाई के साथ लूटमार हुई थी। तो एक अच्छी खबर यह है कि उसको जो अभी उसका पैसा रिफंड मिला, और मधुकर पंडित जिसके भाई रमाकांत पंडित जो कि एक्सपायर हो गए थे, बहुत ही दुखद घटना थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने संघर्ष किया तो उनको अपना पैसा मिला और उन्होंने उसके लिए महानगर पालिका का और जो धन्यवाद प्रस्ताव किया हमारे चैनल के माध्यम से, वो वीडियो है। इस वीडियो के बाद में दूसरा जो वीडियो है वो वीडियो एक नया पेशेंट अभी मेरे सामने आया है। महानगर पालिका बोलती है कि हमने सबका ऑडिट किया, जबकि ये मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। ये बिल आप अभी देखेंगे वीडियो में, आगे आपको बिल का कॉपी भी मैं दिखाऊंगा। ये जो बिल आप देख रहे हैं, ये जिस शख्स के हैं उसका नाम दयालु गुप्ता है, और ये अप्रैल मई में कोरोना के हिसाब से ये अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल का नाम सबसे चर्चित अस्पताल है वसई का, इतना कहूंगा आप समझ जाएंगे। लूटमार करने में सबसे चर्चित रहा है और उसके ऊपर मामला भी हो चुका है। उस अस्पताल में यह भर्ती था, वहां पर इसका बिल हुआ 1,83,000 का। 1,83,000 के बिल हुआ, उसके अलावा 1 लाख के अलावा आसपास की इसने दवाई बाहर से ली, तो कुल 3.5 लाख रुपए उसने खर्चा किया। गरीब परिवार से है, बिल्कुल सामान्य साधारण परिवार से है, टेम्पो चलाता है बंदा, उसका टेम्पो पहले खुद का था, अभी वो बिक गया और भाड़े का टेम्पो चला रहा है आज की स्थिति में। उस 10 दिनों के दरमियान में उसका 3 लाख का बिल उसका बना। उसने भी हाल ही में मुझसे कांटेक्ट किया, मुझे बोलता है, उसने बोला है कि सर मेरा कुछ होगा तो बोला आप जाओ महानगर पालिका में कंप्लेन करो। फिर मैंने बोला ठीक है आपका बिल मुझे भेजिए, तो उसने मुझे उसका बिल भेजा। वो बिल जो है आप देख रहे हो वीडियो में, वही बिल है। बिल भेजा, ये बिल मैंने महानगर पालिका ऑडिट टीम को फॉरवर्ड किया। ऑडिट टीम को फॉरवर्ड करने के बाद में मुझे ऐसा पता चला कि इस बिल का ऑडिट हुआ ही नहीं है। यानी सबसे पहला पॉइंट, कितने ऐसे बिल है जिनका ऑडिट नहीं हुआ, जिनका डेटा छुपाया गया, साफ तौर पर चोरी की गई। जब
अस्पतालों को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप एक एक बिल की जानकारी, एक एक बिल आप अस्पताल में ऑडिट के लिए भेजोगे, तो ये नए बिल आ कहां से रहे? एक सवाल ये है। दूसरी बात, ऑडिट हुआ, ऑडिट का अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया, लेकिन मैंने इंक्वायरी किया था तो ऐसा सामने आया कि 1,87,000 का जो बिल था उसमें से 1,00,000 से ज्यादा का रिफंड इसका भी निकलता है। तब सोचिए कि कितना बड़ा ये गेम है, कितना बड़ा ये लूट मची हुई है। अब इस धंधे को भी शायद अपना पैसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे कितने लोग और हैं जिनका बिल अस्पतालों ने ऑडिट में दिया ही नहीं है और न ही महानगर पालिका ने मांगा है। सबसे बड़ी बात, मैं जब कब से इस चीज को लेकर बार बार खुलासे कर रहा हूं, सबूत दे रहा हूं, तो महानगर पालिका क्यों कार्यवाही नहीं कर रही है? सीधा सा जवाब है, जितने अधिकारी है भ्रष्ट अधिकारी पैसा खा के बैठे हैं। मैं एलिगेशन कर रहा हूं, भ्रष्टाचार करके बैठे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो इन अस्पतालों के ऊपर कार्यवाही की होती? सीधा सीधा महानगर पालिका आयुक्त को यह बात समझने की जरूरत है। लगा के क्या रखा है आपने? आज के लिए इतना ही कहूंगा, और ये मैं पहले भी वीडियो के शुरू में भी कहा, खत्म वीडियो खत्म कर रहा हूं, इसमें भी मैं बोल रहा हूं, अब महानगर पालिका अगर नहीं समझी यहां से और एक एक आदमी का एक एक पैसा रिफंड नहीं हुआ, तो मैं यूसुफ अली वसई विरार महानगर पालिका के सामने तो ऑपरेशन करूंगा, मंत्रालय में जाके ऑपरेशन करूंगा। अगर मेरा वीडियो मुख्यमंत्री महोदय देखते हैं, उनके पास जाता तो उनको भी मैं बोलता हूं, आपने क्या किया? आपको भी उन्होंने मेल भेजा है, मुख्यमंत्री ने भी कुछ नहीं किया। किस काम के ऐसे नेता, जन नेता, किस काम के ऐसे अधिकारी जो पब्लिक के लिए कुछ करे नहीं? ठीक है, आप देखिए दोनों वीडियो आगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम मधुकर पंडित। पंडित जी, आपको क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी और आज का क्या स्टेटस बताइए? एक्चुअली मेरा बड़ा भाई 2020 में विनायक हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से एडमिट था और जुलाई महीने में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद मैंने बिल पेमेंट वहां पे कर दिया और करने के बाद नगर पालिका में एक एप्लीकेशन डाला कि मेरा कुछ रिफंड मिलता है कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां से मुझे कुछ मिला नहीं। और बाद में जाके जब मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल से कुछ पैसा रिफंड मिल रहा है और मेरा अमाउंट है 1,01,000 रुपया, तो मैं वापस गया तो उन्होंने मुझे जब मैं बिल पेमेंट किया तो 40,000 रुपया डिस्काउंट दिया था, वो डिस्काउंट करके मेरे को पूरा पैसा विनायक हॉस्पिटल ने वापस कर दिया। तो इसके वजह से मैं महानगर पालिका, विनायक हॉस्पिटल और सेफ न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनकी कोशिश की वजह से मेरा जो पैसा था वो वापस मिल गया। धन्यवाद। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, जब आपको पैसा मिल चुका है तब आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है कि चलो आदमी तो चला गया लेकिन कुछ पैसा मिला, तो जो इलाज के लिए मैंने यहाँ वहाँ से जो पैसा लिया था उनको देने को थोड़ा सुविधा ही हो गई और थोड़ा कर्जा कम हो गया मेरा। और कुछ कहना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे? और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि आपका भी कोई रिश्तेदार अगर हॉस्पिटल में एडमिट था और वो डेथ हो गया होगा तो प्लीज आप कांटेक्ट करिए महानगर पालिका और सेफ न्यूज से, तो आपका पैसा वहाँ पेंडिंग रहेगा, आप जाके वहाँ से ले सकते हो। तो मैं आपसे वापस गुजारिश करता हूँ कि किसी का भी अगर आदमी, रिश्तेदार या दोस्त, भाई बहन एडमिट होके वहाँ से अगर डेथ हो गई हो तो हॉस्पिटल वाले वो पैसा रिफंड कर रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू से, तो आप प्लीज सेफ न्यूज से कॉन्टेक्ट करें। आपका नाम क्या है? दयालु रामजन गुप्ता। दयालु जी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? मैं प्रगति नगर नाला से पड़ा इश मैं रहता हूँ, मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ, टेम्पो चलाता हूँ। क्या समस्या है? समस्या यह है कि मैं विनायक हॉस्पिटल में भर्ती था। किस हिसाब से भर्ती? कोरोना में 4-5 महीने पहले की बात है, कोरोना हुआ था मुझे, कोरोना में भर्ती था और वहाँ तकरीबन मैं 10 से 12 दिन भर्ती रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ और मैं इसके लिए आज सामने आया हूँ कि मुझे हर कुछ जगह से मालूम पड़ा है कि आपका जो बिल है वो आपसे ज़्यादा लिया गया है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि बिल ज़्यादा लिया? कितना बिल था आपका? मेरा बिल तकरीबन 1 के ऊपर दवा का है।
और 1,87,000 रुपया मेरा इधर हॉस्पिटल में भरा हूँ। 1,87,000 रुपया हॉस्पिटल का? हाँ। और 1,00,000 से ज़्यादा आप दवा बाहर से लाए? दवा बाहर से लाया हूँ। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि आपका बिल ज़्यादा है? मुझे तो लग रहा है सर, अभी बाकी लोगों को मैं देखा है, अभी मुझे 3,00,000 रुपया आज के ये लॉकडाउन में मायने रखता है। ये पैसा आप जो भरे हो कहाँ से लाए, आपका ही पैसा था? नहीं, ये पूरे टोटल पैसा मेरा कर्जे का। आपने जैसे भी बताया कि आप टेम्पो चलाते हो, टेम्पो खुद का है आपका या भाड़े का? पहले मेरे पास टेम्पो खुद का था, वो मैं बीमार पड़ा तो बेच दिया, और अभी फिलहाल मैं भाड़े का टेम्पो चला रहा हूँ। अच्छा, आपकी मांग क्या है? मांग मेरी यही है कि मैं नगर पालिका से, हॉस्पिटल से मांग यही करता हूँ कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे देखिए कि मेरा बिल अगर बचता है तो निकलता है, तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मुझे देने का खर्च करें, जो हमारा जो भी निकला हो पैसा निकलता रहेगा बिल में। आपको महानगर पालिका से या अस्पताल से कहीं से इस तरह से फ़ोन नहीं आया? नहीं, कहीं से भी कुछ भी नहीं आया फ़ोन। आपका आपको इस चीज़ का मालूम है क्या, बिल का ऑडिट होता है? आपके बिल का ऑडिट हुआ है क्या? नहीं सर, ये सब तो मुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है। आपने पैसा कैसे भरा था? आपका इंश्योरेंस है कैसे? नहीं, इंश्योरेंस वगैरह नहीं है सर, ये टोटल पैसा मैं कैश भरा हूँ। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।